तो दोस्तों रात के 10:30 से 11 बजे का समय हो रहा है और आप देख सकते हैं अभी हम महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर जो कि जनता सेना के उम्मीदवार हैं उनसे हम रूबरू होंगे, इंटरव्यू लेंगे। कारण यह है कि वह अभी जनसभा में थे और जनसभा से फ्री होकर यहाँ पहुँचेंगे, उनके बाद हम उनका इंटरव्यू लेंगे। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये है भिंडर राजमहल जहाँ पर महाराजा रणधीर सिंह भिंडर रहते हैं जो जनता सेना के प्रत्याशी हैं। उनसे हम मिलेंगे और उनसे जानेंगे कि 28 तारीख से पहले जिस तरह से जनसंपर्क कर रहे हैं, जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का जो रेस्पॉन्स है उनको मिल पा रहा है। उनकी फैमिली भी यही, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या स्थिति रहेगी इन चुनाव को लेकर के। तो दोस्तों रात की 12:30 बजे हैं, महाराज साहब जनता सेना से प्रत्याशी हैं और पूरा जनसंपर्क करने के बाद वे यहाँ पहुँचे हैं और हमें उनसे रूबरू होने का समय मिला है। उनसे जानेंगे किस तरह से उनका जनता से समर्थन मिल रहा है और क्या कुछ वो खुद कहना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी आप रात की 12:30 बजे अपने घर पहुँचे हैं, पूरा दिन भर आपको जन समर्थन में लग गया, किस तरह से जनता आपको समर्थन कर रही है? समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है क्योंकि मैं केवल चुनाव के टाइम पर ही नहीं जाता हूँ, मैं रेगुलर लगा रहता हूँ, हारता हूँ जीतता हूँ लोगों के बीच में जाता रहता हूँ, तो उस हिसाब से लोगों का समर्थन बहुत अच्छा है और सेटिस्फैक्ट्री है। सर स्टार प्रचारकों की बात करें तो जितनी भी पार्टियां हैं प्रमुख पार्टियां वो कहीं ना कहीं स्टार प्रचारकों के भरोसे से चल रही हैं, आप किस भरोसे से? देखिए स्टार प्रचारक तो एक तरह से माहौल बना सकते हैं, वोट तो इंडिविजुअली हमारे यहाँ के लोग ही देंगे जी, और मेरा उनसे जो संबंध है उस हिसाब से मेरा ये मानना है कि मुझे किसी स्टार प्रचारक की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे पास भी रविंद्र सिंह भाटी आए हैं और यंगस्टर्स उनके कारण जुड़ रहे हैं, नरुका जी भी आए हैं वो भी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता और वोटर्स में जो जिस तरह का 1-to-1 है वो सबसे बेस्ट है, इसलिए हमारे लिए उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सर आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से किस तरह का समर्थन मिल रहा है और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से आपको उम्मीद है कि सब ज़्यादा आपको मत मिलेंगे? देखिए मैंने काम सब जगह एक बराबर किया है, कहीं पर मैंने एक दूसरे के वो उस तरह से नहीं किया है, मैंने हर जगह काम अच्छा किया है और सभी जगह से अच्छा समर्थन मिल रहा है, मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पर मेरा समर्थन कम है। सर अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार एक के बाद एक बागी छोड़ते जा रही है, पहले आपको फिर उदयलाल जी को, क्या लगता है बीजेपी पार्टी में लगातार ऐसे बागी होना? देखिए ऐसा है कि बागी तब होता है आदमी जब किसी के साथ अन्याय होता है। मैं जब बागी हुआ उस समय मैंने बीजेपी की स्थापना यहाँ वल्लभ नगर में की थी और जो कार्यकर्ता तैयार किए वही कार्यकर्ता मेरे साथ थे, तो बागी मैं नहीं हुआ। जिस दिन मेरा टिकट कटा मैं तो इस मूड में नहीं था कि खड़ा हूँ, लेकिन कार्यकर्ता आए उन्होंने कहा और जनता ने कहा कि हम टिकट दे रहे हैं आपको खड़ा होना है, तो इसलिए खड़े हुए। और जिस तरह से अब बीजेपी में हर बार मतलब कैंडिडेट बदल जाता है और अब तो सबको पता चल गया कि टिकट बिका हुआ है बीजेपी में, वल्लभ नगर के लिए टिकट को बेचा जा रहा है, तो फिर किस तरह से लोग मतलब बागी नहीं होंगे? जब देखेंगे कि मैं इतना काम कर रहा हूँ उसके बावजूद मेरी वगत नहीं है पार्टी में तो बागी होंगे। तो बागी होना मतलब किसी की पिछलग्गू बनने से अच्छा है बागी होना। सर चुनाव का जो समय है बहुत काफ़ी नज़दीक आ चुका है, 30 अक्टूबर चुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं अच्छा लग रहा है, सब जगह जहाँ भी जा रहे हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अभी भी मैं जाके आया हूँ जहाँ पर उन सब गांवों में लोग वेट कर रहे थे, मैं हालांकि 2 घंटे लेट हुआ, हर जगह 2-2 घंटे लेट गया हूँ, लेकिन वेट कर रहे थे और उन्होंने सब ने यही कहा कि हम तो अबकी बार आपको बनाएंगे, क्योंकि देखिए होप नहीं रही दूसरों से उनको। गजेंद्र सिंह जी रहे 2 साल 2.5 साल रहे MLA, कुछ नहीं किया उन्होंने, और जो बाकी कैंडिडेट्स हैं वो तो अभी नए हैं, उनको तो बाकी तीनों ही कैंडिडेट्स नए हैं, उनको तो अभी करके दिखाना है, मैं कर चुका हूँ तो मैं जो कर चुका हूँ उसको देख करके मेरी तरफ ही आएंगे लोग। सर आज हमने लोगों से पूरे वल्लभ नगर और कानोड और भिंडर से लोगों से रूबरू हुए तो उन्होंने ये कहा कि अधिकतर जो प्रत्याशी होते हैं बाहर से होते हैं, जैसे कोई दिल्ली से है तो कोई डबोक से है तो कोई उदयपुर से है,
अधिकतर लोगों ने कहा कि हमारा साहब लोकल हैं तो वो हमारे साथ देते हैं, जनता का ये कहना, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? ये तो डेफिनेटली है ही है कि यहाँ लोकल होने का ये फ़ायदा है कि मैं लोगों से मिल सकता हूँ, लोग मेरे पास आके मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते। मैं भी उदयपुर रहता था पहले, लेकिन 2000 में मैं वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया भिंडर, उसके बाद से मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वल्लभ नगर की जनता के नाम तो यही है कि चुनाव है 30 तारीख को, और आप सोच समझ के और ऐसे व्यक्ति को समर्थन दें जो आपको न केवल चुनाव का समय आकर शक्ल बताए बल्कि आपके बीच में रहे, हारे या जीते आपके बीच में आता रहे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन सब से मैं खरा उतरूंगा और मेरे को आप समर्थन देंगे, कड़ाई मेरा चुनाव चिन्ह है। धन्यवाद सर, बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। तो ये थे रणधीर सिंह जी भिंडर, जो कि जनता सेना से प्रत्याशी हैं और अनुभव बोलता है, इनका कहना कि अनुभव बोलता है। बाकी जो 3 प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं नया चेहरा है, नया अनुभव है, इसीलिए आपको तय करना है कि आपको अनुभव चाहिए या नया चेहरा चाहिए। ये 30 अक्टूबर को तय हो पाएगा। हमारे चैनल के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लेक्स सिटी न्यूज़ राजस्थान।